अदीबा इधर देख लीजिए ध्यान से जरा। और बेटा पढ़ लिया का थोड़ा बहुत। हमारे पास क्या है बेटे, कॉस एक्स या कॉस थीटा, उसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। तो दो फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, एंड कॉस एक्स का ही एक और फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यस और नो? यस सर, अदीबा ये तो पढ़ा है या ये भी यस नहीं पढ़ा? सर, अब इनसे क्या करेंगे बेटे, यहां से हम कॉस एक्स बाई टू निकाल सकते हैं और यहां से हम साइन एक्स बाई टू भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस एक्स बाई टू निकाल रहा हूं तो ये वन इधर आ जाएगा बेटे, यस और नो? यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, और ये जो टू है ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन टू। और अगर इस स्क्वायर को मैं हटाऊं तो इस स्क्वायर को हटाने से क्या आएगा, अंडर रूट। प्लस माइनस। तो बेटे ये फॉर्मूला है कॉस एक्स बाई टू का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस एक्स बाई टू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स। इसी तरह से अगर अब मैं साइन की वैल्यू निकालू बेटे, तो साइन में वन इधर प्लस में है, तो कॉस को इधर लाना पड़ेगा, साइन को उधर ले जाना पड़ेगा। तो इन द सेम फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे, ये कुछ ऐसे आएगा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस, तो ये वैल्यू होगी साइन एक्स बाई टू की। तो इसका मतलब क्या है, हम साइन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स। आप समझ में आया? यस सर, और अगर हमारे पास बेटे साइन एक्स बाई टू हो और कॉस एक्स बाई टू हो, तो हम डायरेक्ट टेन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टेन एक्स बाई टू, और टेन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। सर, आ गया समझ में? यस सर, तो ये हमारे पास है कि भाई टेन जो होगा वो साइन अपॉन कॉस होगा। लेकिन होता क्या है बेटे, ये तीनों अगर मैं लिख भी दूं, चलो आपके लिए यहाँ फॉर्मूला ही लिख दूं कि भाई टेन एक्स बाई टू क्या होगा, तो टेन एक्स बाई टू हुआ है साइन अपॉन कॉस। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि साइन में बेटे माइनस आता है, तो वन माइनस कॉस एक्स आएगा और नीचे वन प्लस कॉस एक्स आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं कि आप एक्स बाई टू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये सारे फॉर्मूले कॉस एक्स पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? पॉसिबल। तो हमारे पास कॉस एक्स होना चाहिए, बट ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, यहाँ 10 दिया हुआ है। तो क्या हम 10 से कॉस निकाल सकते हैं, ये बताओ, बस इतनी सी बात है। 10 से क्या हम कॉस निकाल सकते हैं, क्या कोई रिश्तेदारी है 10 की कॉस के साथ, यस सर, क्या बताओ? 10 की रिश्तेदारी कॉस से नहीं है, सेक से है। किससे है? सेक से सेक स्क्वायर थीटा। तुम भी हो क्लास में? हाँ जी, कौन बोला था अभी? सर, मैं मैं नाला है, कहाँ दे तुम इतनी देर से? सर, हम तो जामिस ले रहे हैं हम तो ले रहे हैं, शुरू में तो नहीं थे आप क्लास में? सर, मैंने 6:37 में ज्वाइन किया है। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना भाई? यस सर। तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा 4/3 का स्क्वायर, 16/9। अगर अंडर रूट लेंगे तो फिर प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी sec x की। तो 16 प्लस 9 25, 25 बाई 9 5/3, यस और नो? यस, तो ये वैल्यू आ गई सेक की। अगर सेक की वैल्यू है तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3/5। अब हमारे पास जो टेन दिया हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव।
नेगेटिव, इन सेकेंड कॉस एक्स नेगेटिव, तो लिखो भाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3/5। अब बेटे इस ये जो मैंने राइट साइड में फॉर्मूले रखे हैं यहाँ रख दो, बस सारी वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में? तो मान लो मुझे साइन एक्स बाई टू निकालना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब बच्चे फिर दोबारा से देख लीजिए कि क्या ध्यान रखना था। साइन एक्स बाई टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, ठीक है बेटे, प्लस माइनस अंडर रूट कॉस एक्स की वैल्यू रखो बेटे। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाओगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या नहीं? Yes. तो 5 + 5 + 3 कितना हो गया? 8/10। हाँ भाई 5 + 3 कितना हो गया? 8, और 2 5 जा नीचे हो गया 10। तो आप चाहे अंडर रूट में है तो आप 2 से कैंसिल करना चाहें तो कर दीजिए, प्लस माइनस 4/5। अगर 4 को भी आप लिखना चाहें तो 2/5, ठीक है, रूट 5 प्लस माइनस 2/√5। अधिभा समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। एक्चुअली बेटे आपसे उसने कहा था कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 से 180। 90 से 180। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं x बाई टू, तो 90/2 कितना हो जाएगा भाई? अगर मुझे x बाई टू निकालना है तो फिर 90 का भी 2 से डिवाइड करो, 180 को भी 2 से डिवाइड करो, तो 90/2 कितना होता है? और 180/2 कितना होता है? 90। तो x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? 45 से लेके 90 कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? First क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x by 2 belongs to first। तो बस एक क्वाड्रेंट पीछे जाना है। अगर x सेकंड में है तो x by 2 फर्स्ट में हो जाएगा, और अगर x थर्ड में है तो x by 2 आपका सेकंड में हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए फिर दोबारा से, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह दूं x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? 180 to 270। अब जरा डिवाइडेड बाय 2 करना तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। 90 से 135, तो अगर ये थर्ड में है तो ये सेकंड में होगा। एक क्वाड्रेंट बेटे पीछे जाना है और यहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर आपने एक्स के ऊपर लेके आंसर कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाए। रॉन्ग का क्या मतलब है? आपकी साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2/√5, और एक्स बाई टू है फर्स्ट में, तो एक्स बाई टू फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? साइन एक्स बाई टू इन फर्स्ट इज पॉजिटिव। तो बेटे मेरे पास आना है साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 2/√5। जैसे मैंने साइन निकाला है वैसे ही मैं कॉस निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स बाई टू। तो मेरा कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाई टू होगा, ध्यान से देख लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, कॉस प्लस में होता है, 1 + cos x/2। लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू शायद हमने -3/5 निकाली थी। कितनी निकाली थी? -3/5। अब यहाँ रखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Yes, sir. प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 3/5/2, तो 5 - 3 = 2/10, तो 2/10 1/5, तो 1/5 का मतलब प्लस माइनस 1/√5। यस और नो? यस सर। अब आप बताओ, अब हम ये तो चेक ही कर चुके कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में x by 2? फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में क्या होता है? cos। भाई फर्स्ट में तो ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यस सर। तो कॉस एक्स बाई टू पॉजिटिव हो गया। अब आप खुद देखो, कॉस एक्स बाई टू है 1/√5 और साइन एक्स बाई टू है 2/√5, तो क्या मैं टेन निकाल सकता हूँ डायरेक्ट? यस सर।
यस सर। तो टेन क्या होगा भाई? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन हो गया 2 बाय रूट 5, कॉस हो गया 1 बाय रूट 5, रूट 5 रूट 5 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। दैट्स इट। अच्छा ध्यान से देख लीजिए, जब हम वैल्यू से वैल्यू निकालते हैं तब हमें क्वाड्रेंट चेक करने की या साइन चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट वो अपने आप ही प्लस माइनस कैंसिल होके आ रहा है। दूसरा अगर वैसे भी चेक करो, 10x by 2 भी फर्स्ट में है, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से करने, ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे ये कॉस से सॉल्व होंगे, कॉस थीटा। अगर आपके पास कॉस थीटा है तभी आप इसमें अप्लाई करोगे। जैसा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो साइन से पहले क्या निकालेंगे हम? साइन से पहले हम कॉस निकालें, कॉस एक्स, और फिर हम उन फॉर्मूला में रखेंगे। आ गया समझ में? यस सर।